हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल बिल्कुल ठीक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ आप लोग मेरी रेसिपीज को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़े के दो तरह के एग सैंडविचेस। और इस सैंडविचेस को आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इससे सबसे पहले आपको मिलेगी मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना प्लीज़, एंड थैंक यू फ्रेंड्स। सैंडविचेस बनाने के लिए हमें यहाँ पर ब्रेड के चाहिए होंगे 3 स्लाइसेस, इसके साथ ही हमें चीज़ चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर चेदार चीज़ और मोजरेला चीज़ दोनों लिया है, चीज़ ऑप्शनल है। और हमें मेयोनीज चाहिए होगा 2 टेबलस्पून, और थोड़ा सा बटर लेंगे। और हमें चाहिए होगा ग्रेटेड एग, तो मैंने 2 अंडों को बॉईल करके उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। और इसके साथ ही हमें चाहिए होगा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर। और अभी हम एक बाउल में अंडों को डालेंगे, और अंडों को डालने के बाद इसमें हम पहले थोड़ा सा मेयोनीज डालेंगे। अगर मेयोनीज आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा मेयोनीज ऐड करूँगी, और मेयोनीज ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट भी हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स हो चुका है, इसे साइड पे कर देते हैं। और अभी हम ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर को कट करेंगे, और कॉर्नर्स को कट करने के बाद हम इस पर बटर लगा देंगे। इसी तरह तीनों स्लाइसेस के कॉर्नर्स कट करेंगे और तीनों स्लाइसेस पे हम बटर लगा देंगे। और बटर लगाने के बाद हम सबसे पहले लगाएंगे मोजरेला चीज़, और इसके ऊपर अब हम रखेंगे हमारा मिक्सचर जो हमने रेडी किया था वो, और फिर इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे। और फिर अब हम रखेंगे ब्रेड की स्लाइस, और जो बटर वाला पार्ट था वो नीचे की तरफ जाएगा, और प्लेन वाले पार्ट के ऊपर अभी रखेंगे हम चेदार चीज़। और चेदार चीज़ रखने के बाद अगेन हम रखेंगे मिक्सचर, और मिक्सचर को हम अच्छी तरह से फैला देंगे। और फिर अब हम रखेंगे ब्रेड की स्लाइस, और जो बटर वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा। और फ्रेंड्स अब हम इसे कट करेंगे, और अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, और इसे हल्का सा क्रिस्पी करके भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से 1 टेबलस्पून ऑयल में हम इसे थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा लगता है, और इस तरह से भी अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारा पहले वाला सैंडविच रेडी हो चुका है। अभी हम चलकर प्रिपेयर करते हैं हमारा दूसरे वाला सैंडविच। और अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम 1 अंडा तोड़ेंगे, फिर इसमें हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे, और अब इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, और अब इसमें जाएगा सॉल्ट। और सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसे विस्कर की मदद से अच्छी तरह से फेंटेंगे, और फिर हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से फेंटेंगे। अच्छी तरीके से फेंटने की वजह से इसमें जो अंडे की स्मेल आती है पकने के बाद वो आना बंद हो जाती है। और अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल ऐड करने के बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे, और जैसे ही हम फ्लेम को ऑन करेंगे वैसे ही हम इसमें तुरंत ही अंडा डाल देंगे। और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम हीट पर रखना है, और जो हमारा पैन है वो ज़्यादा गर्म ना हो उसे आप मेक श्योर करिएगा। अगर हमारा तवा जो पैन है वो गर्म होगी तो हमारा जो अंडा है वो फ़ौरन से पकना स्टार्ट हो जाएगा, जो हमें अभी नहीं करना है। अंडे को हमें अभी नहीं पकाना है। जैसे ही हमारा अंडा इस तरह का होगा तो हम इसमें ब्रेड की दोनों स्लाइसेस रख देंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों स्लाइसेस को हम सेट कर देंगे, और अभी हम पहले वाली स्लाइस को पलटेंगे, ये देखिए, और इसे हम पलट लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी वाली स्लाइस को भी पलट लेंगे। और फिर आपको जैसे ही लगे कि आपका जो अंडा है वो लिक्विडी नहीं है, मीन्स के रनी नहीं है, तो आप इसे टर्न कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से हम टर्न करेंगे इसे, और फिर टर्न करने के बाद ये जो पहली वाली स्लाइस दिख रही है ना नीचे से, उस पर हम थोड़ा सा चीज़ रखेंगे। आप चाहे तो स्लाइस चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई सब्ज़ी परी हो तो उसे भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं, चाहे तो चिकन भी रख सकते हैं। और फिर दोनों अंडों की साइड को इस तरह से बंद कर देंगे, और जो स्लाइस का दूसरा पार्ट है उसे हम इस तरह से, ये देखिए, बंद कर देंगे। और फिर अब आप चाहे तो आंच को मीडियम कर सकते हैं, और थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे क्रिस्पी भी कर सकते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी सा एग सैंडविच रेडी हो चुका है, और आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है, और ये वाली रेसिपी कैसी लगी इसका आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पिक्चर सेंड कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही यमी बना था, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और मुझे फीडबैक देना ना भूले फ्रेंड्स। और मिलती हूँ आपसे कल एक और नई रेसिपी के साथ में। बाय बाय।